कुछ दर्द बिना दवाइयों के भी मिटाई जा सकती है। नमस्कार, मैं रक्षा भगत, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन रिसर्च की छात्रा। यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य विभूतियों एवं शिक्षकगण, तमाम अतिथियों, मेरे सीनियर्स, जूनियर्स एंड मेरे पूरे साथियों को नमन करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते ही विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ मौजूद हुए हैं और इस शुभ अवसर पर मैं स्वयं रचित एक कविता आप सभी को सुनाना अपने लिए बहुत ही भाग्यशाली बात मानती हूँ। आशा है आप सभी को मेरी कविता अच्छी लगेगी। फिजियो बनना इतना आसान नहीं, फिजियो बनना इतना आसान नहीं, डर कर भटक कर दूर न चले जाना कहीं। फिजियोथेरेपी की कला जिसने वाकई में सीख ली, बिना किसी दवाई इंस्ट्रूमेंट्स के भी पेशेंट्स की दुआ ली। फिजियोथेरेपी एक वरदान है, तुम आज नहीं तो कल जरूर मानोगे इस बात को मेरे यार। जब स्ट्रोक, सीपी, डीएमडी इत्यादि ठीक नहीं हो पाएंगे दवाइयां खाकर 100 बार, मैनुअल थेरेपी एक्सपर्ट्स जिनके हाथों में ही जादू है, पेशेंट्स के साइन एंड सिम्टम्स अब उनके काबू है। कमाल की बात तो यह रही, फिजियोथेरेपी की कोई हद नहीं। हो जाए भले चाय में चीनी कम कहीं, पर फिजियोथेरेपी के कोई साइड इफेक्ट नहीं। ऐसी मानसिकता बनाना जरूरी है। आई वॉन्ट टू बी अ बेस्ट।